नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आपका बाजार। आपकी फटाफट क्वेरीज तो अगले एक घंटे में हम शामिल करेंगे, साथ ही साथ मार्केट के जो एक्शन बना हुआ है उसके बारे में भी आपको अपडेट देते रहेंगे। आज सॉफ्टनेस एक्सटेंड हुई है मार्केट में, 7440 के नीचे निफ्टी अभी ट्रेड करा है। कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर कन्विंस्ड बाइंग इमर्ज हो रही हो, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स आज आगे आके परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मार्केट्स का हाल है। आपके स्क्रीन पर निफ्टी 50 को देखें तो 7438 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 76 में भी 0.35% की वीकनेस है। निफ्टी बैंक फ्लैट है लेकिन बायस नेगेटिव है। आज मिड कैप से प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज्यादा है, करीब 0.1% नीचे मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 0.29% की वीकनेस देखी जा रही है। निफ्टी के चढ़ने वाले शेयर्स हैं, अलग अलग सेक्टर से अलग अलग स्टॉक्स आगे आके मूव कर रहे हैं। PSU बैंकिंग स्पेस है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1% ऊपर है। BPCL करीब 0.1% की तेजी दिखा रहे हैं। इसके अलावा BHEL, ITC, अंबुजा सीमेंट्स, ये कुछ शेयर्स हैं जो कि परफॉर्म कर रहे हैं। प्रोसेसली ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एडवांस टैक्स के नंबर्स भी बेहतर आए हैं। गिरने वाले शेयर्स में सन फार्मा, हिंडालको, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट्स, वेदांता। फार्मा स्पेस में जो प्रेशर्स है वो आज फिर से एक्सटेंड हुए हैं कल के फॉल के बाद, और ज्यादातर स्टॉक्स पे चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी से हों या फिर स्मॉल कैप पॉकेट से हों, सेलिंग प्रेशर्स आज के सेशन में हावी हुए हैं। फार्मा शेयरों का हाल आपकी स्क्रीन पर, गिरावट जारी है। वॉकहार्ड, ल्यूपिन, सन फार्मा, कैडिला, ग्लेनमार्क सभी में 1-4% तक की वीकनेस आज के सेशन में बनी हुई है। साथ ही रियल एस्टेट बिल पास हुआ है, कल सिलेक्टिव रियल एस्टेट स्टॉक्स में खरीदारी थी, ये मोमेंटम आज भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। प्रोसेसली DLF, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, शोभा लिमिटेड, अदरार इंडस्ट्रीज, इन सभी स्टॉक्स में 1% के आसपास की गेंस अभी देखे जा रहे हैं। लेकिन शुगर स्पेस लगातार मोमेंटम में है और वो रिफ्लेक्शन आज भी कायम है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, मवाना शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान, बलरामपुर चीनी, इन सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी आज के सेशन में भी बनी हुई है। तो शुगर एक ऐसी पॉकेट है जो कि कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है और आज वीक मार्केट में भी वो ट्रेंड सस्टेन कर रहा है। ऑन द शो देख लेते हैं अगले एक घंटे के दौरान कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर हम बातचीत करेंगे। आपको फटाफट राय तो एक्सपर्ट्स के दिलवाएंगे ही, शेयरों पर फटाफट राय आपको मिलेगी। ब्रोकरेज हाउसेज किन स्टॉक्स पर बेट कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। खबरों वाले स्टॉक्स की बात करेंगे, यानी आज की अहम खबरें और उनका रिफ्लेक्शन उन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर क्या है, इसके बारे में आपको अपडेट देंगे। साथ ही होगा हमारा खास सेगमेंट शेयर आपके बजट में, यानी एक स्टॉक जो आपके बजट में ही फिट बैठता है और अच्छे रिटर्न्स आपको दिला सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे F&O मार्केट के एक्शन की, डेरिवेटिव मार्केट से क्यूज क्या मिल रहे हैं आज के लिए, किन स्टॉक्स पर आपको बेट करना है F&O एक्शन के पर्सपेक्टिव से, और आज के सुपर हिट शेयर्स भी शामिल होंगे। जी बिल्कुल, और इसी के साथ शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले के भी, और आज के हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष अंधानी है, साथ ही विजय चोपड़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। आप भी हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका बहुत ही आसान है, SMS के जरिए आप हमें अपने सवाल भेजिए, शेयर लिखिए हमारा कीवर्ड है, उसके बाद अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। और के साथ आज का पहला सवाल शामिल कर लेते हैं, चिंतन पटेल गुजरात से हमें पूछते हैं, DLF के 2000 शेयर्स हैं इनके पास 105.90 पैसे पर, और साथ ही मंगलम ड्रग्स के भी 500 शेयर्स हैं इनके पास 257 के भाव पर। गुड मॉर्निंग विजय, शुरुआत आपसे करेंगे, यहां पर दो शेयर्स हैं चिंतन के पास, DLF और मंगलम ड्रग्स, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इनको? दोनों को ही होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है DLF 120-125 के भाव के लिए इनको होल्ड करके रखना चाहिए। रियल एस्टेट बिल पास हुआ है तो छोटे मझोले काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जो कि गलत काम करते थे, काफ़ी प्रैक्टिसेस गलत होती थी, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज होंगे और मार्केट में जो मेजर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर कंसंट्रेशन लौटेगी। तो मुझे लगता है जो भी मेजर रियल एस्टेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो सोबा हो, चाहे वो ब्रिगेड हो, चाहे DLF हो, चाहे ओबरॉय रियलिटी हो, अजमेरा हो, तो इन पे फोकस कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। और आई थिंक DLF इज़ क्वाइट इवनली प्राइस्ड, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, तो 120-125 के स्तर के लिए DLF होल्ड करें। जो दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा मंगलम ड्रग्स, मुझे लगता है कि इसमें भी पोटेंशियल है 300 तक जाने का, तो इसको भी आप होल्ड करके रखें। अगला सवाल है भवन का, कच्छ गुजरात से, दो क्वेरीज है इनकी अगेन, एक तो HDIL 200 क्वांटिटी है, 100 इनका परचेजिंग प्राइस है, और दूसरा शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज का, अगेन 200 शेयर इनके पास 98 के प्राइस पर। दोनों स्टॉक्स में क्या करना चाहिए आशीष, नुकसान में है दोनों ही होल्डिंग्स में? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए HDIL में, जैसे अभी आपने बताया कि रियल स्टेट बिल पास हुआ और जितने मेजर प्लेयर्स उनके ऊपर फोकस आएगा, और HDIL में भी आप देखें 60 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। मेरे ख्याल से अगर ये स्टॉप लॉस चाहें तो कुछ 65-64 के आसपास का रखें और बिल्कुल होल्ड करें, चाहें तो यहाँ पर एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं इफ़ ही हैज सरप्लस फंड्स विथ हिम।
प्राज इंडस्ट्री की आपने बात की, मुझे लगता है वो भी एक काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आया, उसको भी होल्ड करें कुछ 78 के आसपास का, इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करें और उसको होल्ड करके रख सकते हैं। ऑल राइट, तो दोनों में ही आप बने रह सकते हैं ऐसा आशीष मानते हैं। अहमदाबाद से कौशिक शाह ने हमें सवाल पूछा है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के, इनके पास 25 शेयर्स हैं 214 के भाव पर, और साथ ही रिलायंस इंफ्रा RIIL के इनके पास 20 शेयर्स हैं 356 के भाव पर। विजय, दोनों पर ही आपकी क्या सलाह होगी इनको? दोनों मेरे हिसाब से अच्छे शेयर्स हैं, और RIIL तो मैं कहूँगा कि 500 के स्तर पर जा सकता है, तो वहाँ पर ये एग्जिट कर सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन इनकी खरीद से कुछ नीचे है, तो अगर ये एवरेज कर पाएँ तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी, और इसमें बने रहें, मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, तो इन चीज़ों के चलते मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इनका भाव से ऊपर इनको ज़रूर मिलेगा, तो थोड़ा सा एवरेजिंग कर लें, अपना बाइंग प्राइस नीचे ले गए जी। चलिए अगला सवाल है सतीश का, जयपुर से NCC पर इनकी क्वेरी है, 200 शेयर्स है इनके पास NCC के, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 70 रुपीज का। आज खबर भी है NCC पर कि SPV सेम कॉप में हिस्सा बिक्री की योजना है और 350 करोड़ कंपनी जुटाएगी। आशीष, क्या करना चाहिए? इनके परचेजिंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है, 70 पर इन्होंने खरीदा है, वही लेवल अभी देखा जा रहा है, क्या करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए, बिल्कुल जैसे आपने बताया, कुछ आज एक ऑर्डर की खबर है, कुछ एक पॉजिटिव इसमें न्यूज़ है, तो बिल्कुल इसको होल्ड करें, एक स्टॉप लॉस चाहें तो 62 के आसपास का रखें और इस पर्टिकुलर शेयर को होल्ड कर सकते हैं। ऑल राइट, NCC पे आप बने रह सकते हैं ऐसा आशीष मानते हैं। मुंबई से ग्वार चंद हमें मानते हैं कि उनके पास डेटामैटिक्स के शेयर्स हैं, 500 शेयर्स हैं इनके पास 80 रुपए के भाव पर। विजय, आपकी सलाह ये जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अब अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि यहाँ पर काफी नुकसान इनको हो रहा है, तो किस तरीके से लॉसेस कट कर सकते हैं? मुझे लगता है कि किसी और स्टॉक में इनको स्विच कर जाना चाहिए। डेटामैटिक्स में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कुछ फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है चार्ट्स का भी, तो आई थिंक यू शुड एग्जिट ऑन रैलीज, और अगर स्विच करके जाना चाहते हैं तो देर आर वेरियस ऑप्शंस, मैरिको ले सकते हैं, डाबर ले सकते हैं, L&T में खरीद कर सकते हैं, एशियन पेंट्स खरीद सकते हैं, अच्छी कंजम्पशन स्टोरीज में रह सकते हैं, वहाँ पे इनके रिटर्न के ज़्यादा चांसेस हैं, या रादर शुगर स्टॉक्स में रह सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बलरामपुर चीनी है, अवध शुगर है, या तो बहुत सारे शुगर स्टॉक्स में मुझे लगता है तेज़ी रहनी चाहिए आने वाले एक दो क्वार्टर्स तक। तो शुगर स्पेस में चॉइसेस बताई हैं विजय ने, और साथ साथ डाबर जैसे स्टॉक्स को भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है मंजीव का, दिल्ली से SBI पर इनकी क्वेरी है, 50 शेयर्स है 181 के प्राइस पर। आज SBI के शेयर को देखें तो करीब करीब 1 रुपये 1.5 रुपये के आसपास ही कमजोरी दिखा रहा है। एडवांस टैक्स के नंबर्स जो हैं वो थोड़े डिसअपॉइंटिंग रहे, 60% के आसपास का दबाव रहा है, लेकिन क्या करना चाहिए? इनकी खरीद के प्राइस है तो ऊपर ही आशीष, शेयर होल्ड रखें, मुनाफा लेकर बाहर आ जाए? नहीं, बिल्कुल होल्ड करें। देखिए, बैंकिंग में एक टर्न अराउंड हो रहा है, मैं आपके शो में जब भी आता हूं तो SBI के फेवर में ही रहता हूं, आज भी वही मेरा स्टैंड रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए एक टर्न अराउंड हो रहा है और ये स्टॉक्स अपने ऑलमोस्ट चीपेस्ट वैल्यूएशन पे आ गए, बहुत फेयरली वैल्यूड हैं। अगर आप इनका शॉर्ट टर्म देखें तो शायद ये लॉस मेकिंग प्रपोजिशन हो गए, बट यहाँ पे हमें PSU स्टॉक्स को एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखना चाहिए, बिल्कुल होल्ड करें। अगर ये इसमें स्टॉप लॉस चाहते हैं तो मैं थोड़ा डीप स्टॉप लॉस दूंगा, 150 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे और अपना अगला सवाल ले लेते हैं। बैंगलोर से विकास पूछ रहे हैं TCS पर सवाल, 750 शेयर्स हैं इनके पास 2374 के भाव पर। विजय, क्या करना चाहिए विकास को यहाँ पर TCS में? हालांकि देखा जाए तो मार्च सीरीज में इसने अपने प्राइसेस लोअर लेवल से फरवरी सीरीज के रिकवर जरूर हुए हैं, लेकिन इनकी खरीद भाव से अभी भी नीचे है। मुझे लगता है होल्ड रहना चाहिए, दिग्गज है IT स्पेस का और कंपनी में बहुत रिजिलियंस है, और मुझे लगता है जैसे थोड़ा सा अमेरिकन मार्केट्स में रिवाइवल भी हो देखने को मिल रहा है, तो TCS वुड बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन टू गेट न्यू ऑर्डर्स, न्यू कंपनीज एंड यू नो वेंचर इनटू न्यू एरियाज, सो डेफिनेटली होल्ड करके रखें। मुझे लगता है 2600-2700 का स्तर इसमें जरूर देखने को मिलेगा जी। चलिए, इसके अलावा शुगर स्टॉक्स को एक बार फिर से देखें तो लगातार स्ट्रेंथ बनी हुई है और आज भी अच्छा मोमेंटम इस पूरे ही पॉकेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं खास मेहमान, हमारे साथ मिस्टर एम मनिकम हैं, VC हैं शक्ति शुगर्स के। मिस्टर मनिकम, गुड मॉर्निंग। वी आर सीइंग क्वाइट गुड अप्रिसिएशन इन शुगर सेक्टर, दी थिंग्स ऑन द डोमेस्टिक फ्रंट हैव चेंज्ड लिटिल बिट, बट व्हाट्स योर करंट आउटलुक एंड डू यू थिंक द
if we see the sugar sector from production perspective, how the things are looking right now? See, right now the things are looking fairly positive, because I think it's been 4-5 years since we have actually come into positive territory in terms of margins, and I think now we are actually on a variable cost basis, we are doing well. And if the prices cross about 34-35, which is what the July futures are, we should be at a net profit level. So actually, after about 5 years, I think the industry is coming back to normal operations at this point of time. Right. Mr. Manikam, we'd like to know from you that there's a huge buzz that international prices are increasing for sugar, and there's a huge buzz that even the domestic prices will increase. You were talking about the prices. If you could give us a quantum by which we can see an increase, and by when, in the sugar prices? See, this is actually, to talk about sugar prices on a definitive purpose is very difficult. But see, what has happened is, today's news is that Chinese production is kind of come down. And we are talking about Thailand also production coming down. We are expecting Maharashtra to come down. So there are three factors which, you know, the Northern Hemisphere, the production this year is down. And we're also looking at Europe having a shortage, and they're importing some raw sugar. So there's a lot of pressure on raw sugar right now. Mm-hmm. And originally, I think the estimate was about 2 million tons shortfall for the raw sugar market. And currently, it's been held around 5 million. So we are looking at fairly a tough time for the market at this point of time. Mr. Manikam, as you mentioned earlier, ki, prices need to rise to a level of 34 per kg or more in order for the industry to pay off liabilities accumulated in the last 4-5 years. But how do you see the pricing trend going from here now onwards? Like, are you expecting, or is industry looking forward for a price hike in sugar space? Yeah, I think prices are possibly, you know, the futures are already at 35. So we're looking at prices around 30, 35 for the next 1 or 2 years. I think it is looking fairly positive. All right. Thank you very much, Mr. Manikam, for speaking to us and giving us your time on Zee Business. Let's move on. Aur aage badhenge, apne agle sawal ki taraf badhte hain. Hamare saath ab Jharkhand se Avinash Pathak jude hain. Aur unhone apna sawal pucha hai Vedanta par. 500 shares hain ke paas 88.40 ke bhaav par. Ashish, aap se janana chahte hain. Kya karna chahiye ab inko? इनको होल्ड करना चाहिए. देखिए, पूरे मेटल सेक्टर में एक टर्न अराउंड आ रहा है. वेदांता भी उसमें से एक है, और अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो इनको करीब 100 रुपये तक के भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं. अगर एक साल तक इसको होल्ड करें तो बिल्कुल इसको होल्ड करके रखें. अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं तो 77-78 के आसपास का मेंटेन करें. बट अगर ये लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो मेरी सलाह इनको यही है कि एग्जिट ना हो और उसको होल्ड करके रखें. अगर नीचे मिलता है तो एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं. भवन का सवाल है गुजरात से. गॉडफ्रे फिलिप्स 200 शेयर्स है 950 के प्राइस पर. क्या राय होगी आपकी, विजय, गॉडफ्रे फिलिप्स पर? मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. करीब 1172 के स्तर पर भी ट्रेड कर रहा है, और मेरा ये मानना है कि आराम से 1250-1300 का स्तर भी दिखाएगा. तो आप होल्ड करके रखिए. बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जीरो डेट कंपनी है, अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सालों से इट्स अ वेरी सीरियस प्लेयर इन द टोबैको मार्केट. सो डेफिनेटली होल्ड करके रखें. अगला सवाल ले लेते हैं. सवाल है अविनाश पाठक का झारखंड से. वेदांता 500 क्वांटिटी है 88.4 के प्राइस पर. इनफैक्ट सचिन का सवाल ले लेते हैं. कैडिला पर इनका सवाल है, और जो इनके परचेजिंग प्राइस है वो 313 का है. अविनाश के सवाल पर राय ली जा चुकी है, इसलिए सचिन का सवाल ले लेते हैं. क्या राय है आपकी कैडिला पर, विजय? 313 इनका एंट्री लेवल है, और अभी 334 पर ट्रेड कर रहे हैं. इनके परचेजिंग प्राइस है तो ऊपर ही है, क्या करें अभी? बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. कैडिला हमने देखा था करीब करीब 450 के स्तर से गिरना शुरू हुआ था, 270-280 तक गया था, और अब थोड़ा सा रिकवर किया है पिछले लगभग 3-4 हफ्तों में. तो होल्ड करके रखना चाहिए. 400 का स्तर मैं देखता हूँ इस स्टॉक में. और USFDA की जो खबर आई थी उसके चलते स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी. तो अभी आप होल्ड करके रख सकते हैं. 400 तक के लेवल्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ऐसा विजय मानते हैं. महाराष्ट्र से जितिन ने हमें सवाल पूछा है एक्सिस बैंक पर. इनके पास 725 शेयर्स हैं, 465 के भाव पर इन्होंने खरीद करी हुई है. तो इनके भाव से अभी यहाँ पर नुकसान जरूर हो रहा है. आशीष, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं? क्या अभी भी आपको लगता है कि एक रिवर्सल यहाँ पर एक्सपेक्टेड है? नहीं, बिल्कुल इसमें एक बेस फॉर्मेशन हुआ है 400 रुपये के आसपास इनकी. ऑल्दो कॉस्ट प्राइस थोड़ी ऊपर है, चाहें तो अगर नीचे मिलता तो एवरेज करें, बट मेरे ख्याल से इनको होल्ड करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को. पूरे स्पेस में सबसे बेटर एसेट वाली कंपनी है,
और जब बेस फॉर्मेशन इसका 400 रुपए के आसपास हुआ, ये दो साल पहले भी वहीं पे इस पे सपोर्ट लेकर के स्टॉक बढ़ा था, बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई ऐसे नुकसान वाली बात नहीं है इसमें। जी अगला सवाल ले लेते हैं दीपक कपूर का, उत्तर प्रदेश से इन्होंने सवाल भेजा है। ONGC 300 शेयर्स है इनके पास और जो इनका एंट्री लेवल है ONGC में वो 193 का है। एक बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है इन्होंने ONGC में, 205 पर ट्रेड कर रहा है इसीलिए इनके परचेजिंग प्राइस से भी ऊपर है, लेकिन क्या ये छोटा सा मुनाफा लेकर बाहर आ जाएं या फिर बने रहें, क्या राय होगी आपकी? वजह देखिए दीपाली, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे भाव पे इन्होंने एंट्री करी है, वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग है। क्रूड में थोड़ी सी भी यदि उछाल देखने को मिली तो संभवतः हम 225-230 का स्तर देखेंगे ONGC में, तो फिलहाल बने रहें वहाँ तक के लिए, तो मुझे लगता है वेट करना चाहिए। 225 का स्तर तो मैं निश्चित रूप से देखता हूँ स्टॉक में। ऑलराइट, चलिए बैंगलोर से प्रशांत का सवाल ले लेते हैं। NCC पर इनका सवाल है, इनफैक्ट NCC पे हम ऑलरेडी एक राय ले चुके हैं, लेकिन विजय आपसे जानना चाहेंगे इस बार। 800 शेयर्स इनके पास 70.7 के भाव पर, क्या सलाह होगी? होल्ड करके रखिए, करीब करीब 85 का स्तर में देखता हूँ इसमें, कोई 6 महीने तक इसमें कोई होल्ड करके रखता है तो 6 महीने से 12 महीने तक, तो एक तेजी है और ऑर्डर बुक भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी की, तो इसलिए मुझे लगता है कि होल्ड करके रखना चाहिए। अगला सवाल है आशीष कुमार का, उत्तर प्रदेश से, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, 100,000 शेयर्स हैं 64.5 के प्राइस पर, क्या राय होगी आपकी आशीष? देखिए मेरे ख्याल से इनको होल्ड करके रखना चाहिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक थोड़ा बेस फॉर्मेशन हुआ है 50 रुपये के आसपास, तो अगर ये ट्रेडर होल्ड करके रख सकते हैं, 50 का एक SLV मेंटेन करके रखें, तो इसमें कोई ऐसे नुकसान वाली बात इनको नहीं रहेगी। ओके, चलिए गुजरात से सत्यम का सवाल ले लेते हैं। क्विक हील के इनके पास 100 शेयर्स हैं 305 के भाव पर। विजय देखा जाए तो लिस्टिंग के बाद ये लगातार एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा है शेयर, और इनके खरीद भाव से भी नीचे आ चुका है, तो अब किस तरीके से इनको बनना चाहिए यहाँ पर? पेशेंस रखना पड़ेगा मुझे लगता है अगर इसी स्टॉक में इनको मुनाफा कमाना है, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हुई है मुझे लगता है स्टॉक्स कुछ कंसोलिडेट करते हैं उसके बाद ये एक अप मूव आता है, तो संभवतः आपको 230-40-50 के लगभग कुछ कंसोलिडेशन होती हुई देखिए, उसके बाद एक अप मूव आएगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा इनको। अनमोल दुबे का सवाल है उत्तर प्रदेश से, पंजाब नेशनल बैंक, 100 शेयर्स है इनके पास, 81 इनका परचेजिंग प्राइस है, क्या करना चाहिए? पंजाब नेशनल बैंक में आशीष अभी इन्हें 83 पर ट्रेड कर रहा है, बने रहें? बिल्कुल होल्ड करके रखें। देखिए पूरे PSU सेक्टर में जो बुरा वक्त है वो पीछे जा चुका है, मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से गवर्नमेंट अपने स्टेप्स ले रही है टू रिकवर दी NPAs, मुझे लगता है पंजाब नेशनल बैंक हो या स्टेट बैंक के पहले जो मैंने बात की थी, इन दोनों में अगर वो होल्ड करके रखें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। अगर एक स्टॉप लॉस चाहते हैं ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से, तो 77 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऑलराइट, तो होल्ड करके रख सकते हैं ऐसा आशीष मानते हैं। वेस्ट बंगाल से विकास अब पूछते हैं, 2 शेयर्स इनके पास, RCF के 400 क्वांटिटी के शेयर्स हैं 65 के भाव पर, और PTC इंडिया पे 200 शेयर्स हैं इनके पास 85 के भाव पर। कंसर्न यहां पर है विजय, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं? RCF में एक अच्छा खासा नुकसान हो रहा है इनको, नो डाउट फर्टिलाइजर स्पेस काफ़ी न्यूज़ रिलेटेड स्पेस है, और जब न्यूज़ आती है तभी इसमें तेज़ी देखने को मिलती है। पेशेंस रखना होगा, अगर ये एवरेज कर सके RCF में और अपनी बाइंग प्राइस नीचे ला सके तो अच्छा होगा। मुझे लगता है 50 का स्तर तो ये निश्चित रूप से देख सकता है, तो थोड़ा सा इनको एवरेज करके पेशेंस रखना होगा। दूसरा PTC इंडिया की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, पावर ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करती है, मार्केट की गिरावट के चलते हुए स्टॉक में भी गिरावट हमने देखी, मगर आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि ये स्टॉक 100 तक दोबारा जा सकता है, तो थोड़ा होल्ड करके रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी, और इनको अपना भाव जरूर वापस मिलेगा। साहिब का सवाल है पंजाब से, वॉकहार्ट, 40 शेयर्स इनके पास 819 के प्राइस पर, इनके परचेजिंग प्राइस से तो अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन दो फैक्ट हैं, एक तो ये कि अभी दिन के निचले स्तर ऊपर है, और दूसरा ये कि हाल ही में इसने 750 लेवल से एक अच्छा सर्ज दिखाया था, 1000 के लेवल्स को क्रॉस जरूर किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, तो ऐसे में आशीष ये प्रॉफिट्स लेकर बाहर आ जाए या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल प्रॉफिट लेके इनको एग्जिट होना चाहिए। पूरे फार्मा सेक्टर में आप देखें, जब से सन फार्मा करीब एक साल पहले जो नेगेटिव न्यूज़ इसमें आनी स्टार्ट हुई थी और जो डाउनफॉल हमने सन फार्मा में देखा था वो पूरे सेक्टर पे हावी हो चुका है, और पिछले कुछ दिनों में जो नेगेटिव न्यूज़ आई उससे पूरा सेक्टर ही नेगेटिव हो गया है, तो अगर इनको प्रॉफिट मिल रहा है बिल्कुल ले करके ही एग्जिट हो जाए, हो सकता है इनको शायद फिर से 800 रुपये के आसपास मिले, फिर इसको एंटर कर सकते हैं अगर ये ट्रेडर हैं तो।
ऑलराइट, प्रॉफिट बुक करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। आशीष पूछते हैं महाराष्ट्र से, टाटा स्टील पर सवाल, 250 शेयर्स हैं इनके पास 288 के भाव पर। विजय, इनको प्रॉफिट हो रहा है और जिस तरीके से हमने पिछले महीने देखा एक रिकवरी इस शेयर पे, क्या आपको लगता है कि आगे और मुनाफा कमाने का इनके पास मौका है या फिर अभी प्रॉफिट बुक कर लें? 310-315 का भाव मैं जरूर देखता हूँ टाटा स्टील में, तो वहां तक तो ये स्टॉक जाना चाहिए और थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, मगर वहां पर थोड़े मुनाफा वसूली जरूर करें। जी, ब्रोकर हाउसेस के पिक्स भी आपको बता देते हैं, वो कौन सा सेट ऑफ स्टॉक्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से फोकस करते हैं। हर रोज कुछ नई रिपोर्ट्स आती है ब्रोकर हाउसेस की ओर से और जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है पीएसयू बैंक्स पर, इसमें इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है, एसबीआई पर उनकी न्यूट्रल रेटिंग, और कहा है कि एसेट क्वालिटी को लेकर दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा पर फोकस कीजिए, एडवांस टैक्स के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं, 80% के आसपास का इंप्रूवमेंट दिखा है और ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मार्च क्वार्टर ठीक ठाक रह सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। लेकिन इसके अलावा एशियन पेंट्स पर नोमरा की रिपोर्ट है, रेटिंग बाय से घटाकर न्यूट्रल की है और जो लक्ष्य है उसे भी ट्रिम किया है, 870 से घटाकर 798 किया है। महंगा शेयर है, उनका कहना है कि वैल्यूएशंस महंगी है और मार्जिन्स में भी और इम्प्रूवमेंट का अनुमान नहीं है इन कमिंग अर्निंग्स, इसलिए जो रेटिंग है उसको न्यूट्रल किया है। तीसरा है क्रेडिट स्विस की रेटिंग ऑन बॉश, रेटिंग को अंडर परफॉर्म से बढ़ाकर आउट परफॉर्म किया है, अच्छी रेटिंग है यानी लक्ष्य को भी इम्प्रूव किया है, 15,300 से बढ़ाकर जो टारगेट है उसको 22,500 किया है, 18,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और कहा है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काफी रिस्क कम है और नजर सकते हैं शेयर पर। और आखिरी में जेफरीज की रिपोर्ट है इंफोसिस पर, आईटी सेक्टर में टॉप पिक है इंफोसिस जेफरीज की, उन्होंने कहा है कि डील पाइपलाइन अच्छी है, ऑर्डर बुक भी काफी इंप्रेसिव है और बीती तिमाही में हमने देखा भी था कि डॉलर रेवेन्यूज में एक अच्छी ग्रोथ इमर्ज हुई थी और कहा है कि दिग्गजों के मुकाबले जो डॉलर रेवेन्यूज है इंफोसिस के वो काफी अच्छे रह सकते हैं। और अगला सवाल हमारे को पूछ रहे हैं अब कानपुर से समर जैदी, डीसीएम श्रीराम पर इनका सवाल है, 300 शेयर्स हैं इनके पास 132 के भाव पर, साथ ही जीई शिपिंग के भी ये शेयर्स होल्ड करते हैं, 200 शेयर्स हैं इनके पास 322 के भाव पर। आशीष, सवाल आपसे होगा, दोनों शेयर्स पर किस तरीके से स्ट्रेटेजी इनको बनानी चाहिए, कंसर्न है यहाँ पर नुकसान जरूर हो रहा है। देखिए, डीसीएम में इनको होल्ड करने की सलाह 120 रुपए का, अगर ये स्टॉप लॉस रखते हैं तो मुझे लगता है 140 से 145 तक के लेवल इनको देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आपने जी शिपिंग बताया, उसमें मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। देखिए, पूरे शिपिंग सेक्टर में एक डाउनटर्न चल रहा था जिसमें कि जी शिपिंग एक ऐसा स्टॉक है जो इसको अपमूव के साथ इसको चेंज करना चाह रहा है और मुझे लगता है इसके आने वाले समय मुझे 380-390 तक के टारगेट्स दिखते हैं, 300 रुपए का चाहें तो ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, होल्ड करें। जी, इसके अलावा अगला सवाल है आरके अग्रवाल का उत्तर प्रदेश से, माइंट्रिपन की क्वेरी है, 30 शेयर्स है 700 के प्राइस पर। हालांकि हमने देखा बीते सेशंस में कंपनी की ओर से जिस तरह से अर्निंग वार्निंग आई जिसमें उन्होंने कहा कि रिटेल, कंज्यूमर और बीएफएसआई वर्टिकल्स में प्रोजेक्ट कमिशनिंग में डिले होगा जिसकी वजह से ऑर्गेनिक रेवेन्यूज में मार्जिनल ग्रोथ दिख सकती है, जिसके बाद हमने स्टॉक की काफी पिटाई भी होते हुए देखी थी, 640 पर भी आ चुका है। क्या करना चाहिए, इनके परचेसिंग प्राइस से नीचे है माइंट्री, अभी बने रहें या फिर एग्जिट करें, क्या स्ट्रेटेजी आप रिकमेंड करेंगे विजय? मुझे लगता है काफ़ी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस डन है जो कि कंपनी ने आगे आने वाला जो गाइडेंस दिया था, तो उसके चलते मैं कहूँगा थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छी कंपनी है माइंट्री और 700 के ऊपर तो निश्चित रूप से जाएगा, मगर थोड़ा सा समय लगेगा, तो मैं यही कहूँगा थोड़ा होल्ड करके रखिए एंड आई एम श्योर दैट इन द टाइम्स टू कम इनको जरूर प्रॉफिट मिलेगा। ऑलराइट, चलिए नैनीताल से अब नमित का सवाल ले लेते हैं, BHEL पर इनका सवाल है, 5,000 शेयर्स होल्ड करते हैं 185 के भाव पर, काफी नुकसान इनको हो रहा है, आशीष किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं? देखिए, मेरे ख्याल से इसमें इनको एग्जिट करने की सलाह है, ऑल्दो इनका लॉस बहुत ज़्यादा है बट सैडली इनको एग्जिट ही करना पड़ेगा। स्टॉक फंडामेंटली बहुत वीक है, अभी जो इसके रिजल्ट्स आए थे काफ़ी डीप लॉसेस में चली गई कंपनी और अभी टू फिगर्स में भी आ गई थी, 100 रुपये के नीचे भी ये पर्टिकुलर स्टॉक आ गया था, तो मुझे लगता है सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करें तो अच्छा है, 120 के आसपास 125 के आसपास मिले उसमें से एग्जिट करें, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक में मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले 2-3 क्वार्टर्स में भी रिवाइवल का कोई चांस है, तो इसमें सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी मेंटेन कर सकते हैं। अपर्णा का सवाल है दिल्ली से, सुजलॉन पर इनकी क्वेरी है, 1,000 शेयर्स है 18 के प्राइस पर,
विजय, सुजलॉन पर क्या करना चाहिए? बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि हायर लेवल्स पर तो फंसे हुए हैं, लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने लोअर लेवल पर बॉटम फिशिंग भी इस शेयर में करने की कोशिश की है। बीते क्वार्टर्स के नंबर्स में हमने देखा था कि जो एबिटा फ्रंट पर जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी इंप्रूव थी। कंपनी ने 12,000 करोड़ से जो डेट है उसको रिड्यूस करके वो 8,000 करोड़ के लेवल्स पर ले आए हैं। और हाल ही में जो मैनेजमेंट की ओर से जो इंटरव्यूज हुए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में सुजलॉन प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। इन फैक्ट्स को बिलीव करते हुए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करें या फिर बाहर आ जाए? देखिए, तो पहले रिस्क की बेट है। जितना रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है वर्ल्ड ओवर, और भारत सरकार का भी और मोदी गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि हर गांव तक बिजली पहुंचे और घर घर तक बिजली हो, 24/7 सप्लाई हो, मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी के बिना वो नहीं हो सकती। और सुजलॉन रिन्यूएबल एनर्जी का नो डाउट एक दिग्गज है, काफ़ी डेट रिडन कंपनी है, बट नो डाउट काफ़ी बड़ा काम है इनका। रिस्की जो जिनका रिस्क कैपिटाइट अच्छा है, मुझे नहीं पता इन्वेस्टर का रिस्क कैपिटाइट क्या है, बट होल्ड करके रख सकते हैं। मैनेजमेंट चेंज भी हुआ है, अब काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में कंपनी काम कर रही है, इन वैल्यूएशंस पे दिक्कत नहीं लगती, तो मेरे हिसाब से एक बार को होल्ड करके रखना चाहिए। ऑलराइट, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश से के राय पूछते हैं हाइडलबर्ग सीमेंट पर सवाल। इन्होंने क्वांटिटी तो पता नहीं कि कितनी ली है, लेकिन 36 के भाव पर काफी अट्रैक्टिव लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। आशीष, क्या सलाह होगी? बिल्कुल, मेरी इनको सलाह होगी कि 70% ये प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का जो पोजीशन है 68 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। देखिए, पूरे सीमेंट सेक्टर की अगर आप बात करें तो एक रुकावट है, बहुत समय से पिछले एक साल से एक रेंज में चल रहा है ये पर्टिकुलर पूरा सेक्टर। तो अगर इनको प्रॉफिट मिल रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गए इनके प्राइजेस, तो 70-80% का प्रॉफिट बुक करें और 68 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके बाकी की पोजीशन को होल्ड करें। संदीप का सवाल है महाराष्ट्र से, क्वेरी इनके जुबिलेंट लाइफ पर 15 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और परचेजिंग प्राइस है 309 का, क्या करना चाहिए विजय जुबिलेंट लाइफ पर? मुझे लगता है डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस 368 का है, 400 का स्तर ये टच कर सकता है, तो होल्ड करके रखिए। आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी टू हैव इन अ पोर्टफोलियो। बिल्कुल, होल्ड करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। ओडिशा से अजय पूछते हैं गायत्री प्रोजेक्ट्स पर सवाल। 200 शेयर्स ये होल्ड करते हैं 605 के भाव पर। इनके खरीद भाव से तो नीचे आ चुका है, लेकिन क्या आपको लगता है आशीष कि आगे जाते हुए इनका लेवल्स अचीव हो पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इनको भी होल्ड करने की सलाह है। ये चाहें तो एक 500 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। मुझे लगता है पूरे स्टॉक में एक बेस फॉर्मेशन होने की तैयारी है, और जब ये बेस फॉर्मेशन होगा और ये रिबाउंड होगा, इनको शायद 650-700 तक के भी रेट्स मिल सकते हैं, तो होल्ड करके रखें अभी। अंकित का सवाल है गाजियाबाद से, आईसीसी बैंक 100 शेयर्स है 205 के लेवल पर। एडवांस टैक्स के नंबर्स भी आईसीसी बैंक के आ चुके हैं, मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखा है, 1295 करोड़ से बढ़कर 1300 करोड़ के आसपास के एडवांस टैक्स भरा है बैंक ने, क्या रहा है आपके आईसीसी बैंक पर विजय? मुझे लगता है कि 240-50 तक तो निश्चित रूप से जा सकता है, करीब 180 के लो से बहुत तेज़ी से ये स्टॉक ने रिबाउंड किया है, और आई एम फेयरली होपफुल कि ये वापस आ सकता है। कुछ ख़राब नंबर्स आए थे पिछले क्वार्टर में, उसके चलते हुए काफ़ी डैमेज देखा था, प्लस पूरा बैंकिंग स्पेस में काफ़ी ग्लूम था, पर मुझे लगता है कि आई थिंक द वर्स्ट इज़ ओवर, और थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो होगा, बट मैं मुझे लगता है कि 250 का स्तर ये स्टॉक जरूर टच कर सकता है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ेंगे और पुणे से प्रतीक का सवाल ले लेते हैं। ग्राविटा इंडिया पर इनका सवाल है, 300 शेयर्स हैं इनके पास 26.50 के भाव पर। साथ ही आईओसी के भी 100 शेयर्स होल्ड करते हैं 406 के भाव पर। दोनों पर ही इनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है। आशीष, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाएं? ग्रेविटा में इनको होल्ड करने की सलाह है, इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 रुपये का, जिसमें मल्टी ईयर इसमें सपोर्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो इसको होल्ड करके रखें, चाहे तो स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा है 20 रुपये का मेंटेन करके रखें। आईसी में भी होल्ड करने की सलाह है। देखिए, हो सकता है अभी शायद रिव्यू में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इंक्रीज हों, एक इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल के लिए वेट कर रही हूँ एमसीज, बट ओवरऑल इसमें सेक्टर में जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है, इनको ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, होल्ड करके रख सकते हैं। आईओसी को 380 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। जी चलिए, रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का, शेयर आपके बजट में। सुमित मौजूद भी हमारे साथ न्यूज रूम से बताने के लिए कि ऐसा शेयर जिसका प्राइस और रिटर्न्स आपको इम्प्रेस करेंगे। बताइए सुमित, कौन सा शेयर है?
शुक्रिया दीपाली, जो शेयर हमने चुना है वो GIPCL का है, कंपनी पावर और माइनिंग कारोबार के अंदर शामिल है, और सबसे अहम चीज़ इसकी वजह से चुना गया है वो है वैल्यूएशन। अपने हायर लेवल से शेयर करीब 30% नीचे आ चुका है, पिछले क्वार्टर्स के नंबर्स में मुनाफा करीब 67% बढ़ा है, YOY बेसिस पे ये आंकड़ा है, करीब मुनाफे में 67% के आसपास बढ़त देखने को मिली, और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ब्याज लागत में लगातार कंपनी कमी कर रही है, चाहे आप तिमाही दर तिमाही आधार पर देख लें या YOY बेसिस पर देख लें, 30% के आसपास ही कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी की बॉटम लाइन जो है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ी। डिविडेंड यील्ड 3.5 से 4% के आसपास की, यानी कि इस भाव पर भी कंपनी जो डिविडेंड पे ऑफ्स करती है उससे एक अच्छे नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। दूसरा, 16.5 रुपये के आसपास ही कैश EPS से लगातार कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, कैपेसिटी एडिशन को लेकर भी कोई दिक्कत कंपनी के ऊपर नहीं है। वैल्यूएशन वाइज देखिए तो 7 के मल्टीपल पर शेयर फिलहाल कामकाज कर रहा है, अब 7.5 के मल्टीपल पर यह शेयर कामकाज कर रहा है, 10.5 रुपये की इसकी FY17 की एक अनुमानित EPS भी है, तो एक अच्छे और एक साउंड वैल्यूएशन पर मिला, जबकि पूरा सेक्टर 11 से 12 के मल्टीपल पर होता है। इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए एमके की एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट है, 140 रुपये के टारगेट्स के अलावा शेयर को देख सकते हैं। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित इस जानकारी के लिए। तो साउंड फंडामेंटल्स और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के लेवल्स पर GIPCL यहाँ पर रेकमेंड किया है सुमित ने आपको, और ऑलमोस्ट अब 11% के उछाल के साथ ये दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। GIPCL पर अब आप नजर रख सकते हैं, 140 तक के टारगेट्स यहाँ पर अचीव होते हुए नजर आ सकता है, और साथ ही इंडिया ग्लाइकॉल्स पर भी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15% के उछाल के साथ अब ये कामकाज कर रहा है। स्टॉक ऑफ द डे आपको ये बताया गया था, तो दोनों ही शेयर्स पर नजर बनाकर रख सकते हैं। साक्षी अपना टारगेट भी अचीव कर चुका है, 84 के टारगेट्स की बात की थी रजत ने, उनको ओवरशूट किया है, 88 पर पहुंच चुका है, यानी जैकपॉट हुआ है आज उन इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स ने जिन्होंने यहाँ पर पोजीशंस बनाई होंगी। और इनफैक्ट जब हमने टेक्निकल व्यू लिया तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 90 तक के लेवल्स भी अप्रोच कर लेगा, और जितनी तेजी से चला है 90 के लेवल्स भी दूर नहीं लगते हैं। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ेंगे और अब अपना अगला सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से संगीता हमें अपना सवाल पूछ रही हैं, टेक महिंद्रा पर इनका सवाल है, 50 शेयर्स हैं इनके पास, 900 रुपए की इनकी खरीद है। आशीष, हमने देखा कि जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउसेस पॉजिटिव है, इंफोसिस पर, दिग्गज कंपनी IT स्पेस की माइंडट्री की हमने बात की, टेक महिंद्रा पे आपको क्या लगता है? हाँ, ये शायद इनके प्राइस प्री स्प्लिट है, फिर भी मेरा इनको सलाह रहेगी कि होल्ड करके रखें। ये कंपनी एक टर्नअराउंड के फेज़ में है, और कंपनी ने जब से महिंद्रा सत्यम को परचेज किया था ये काफ़ी स्टेबल इसने ग्रोथ दिखाई है, तो इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें। स्टॉप लॉस चाहें तो 440 के आसपास का इसमें मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल, स्प्लिट से पहले की खरीद है इनकी, तो कोई बहुत नुकसान में नहीं होंगे, इनफैक्ट इनके परचेजिंग प्राइस के आसपास ही टेक महिंद्रा भी ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड कीजिए। अभिषेक का सवाल है मुंबई से, मनाली पेट्रो 500 शेयर है 33 रुपये के भाव पर, क्या करना चाहिए विजय मनाली पेट्रो में? मुझे लगता है कि इसमें एग्जिट करना चाहिए रैलीज पे, और कुछ स्ट्रक्चरली डैमेज दिखता है मेरे को इनका इसका चार्ट, और मेरे हिसाब से एक बार बाहर आना चाहिए। इसकी जगह अगर ये चेन्नई पेट्रो में चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। चेन्नई पेट्रो मुझे लगता है तो 230 के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। ऑलराइट, यहाँ से एग्जिट करके आप चेन्नई पेट्रो में स्विच कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं विजय। आगे बढ़ेंगे, पंजाब से नेहा सूरी का सवाल लेते हैं, नोबल पॉलीमर्स पर इनका सवाल है, 63 रुपीज के भाव पर उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्वांटिटी क्लियर नहीं है। आशीष, क्या आप ट्रैक करते हैं नोबल पॉलीमर्स, क्या सलाह होगी? हाँ देखें, आज ये स्टॉक लोअर सर्किट पे शायद आज इसमें कोई ट्रेड भी नहीं हुआ, ये पूरा ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक है, मेरे ख्याल से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है होल्ड करने के अलावा, तो इसको होल्ड करें, इनका प्राइस जब भी मिलता है, बहुत स्पेक्युलेटिव स्टॉक है तो इस पर कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, इनको प्राइस के आसपास तो मिलना मुझे लगता है मुश्किल है, अगर 15-20 रुपये का इनको प्राइस दिखे तो उसमें से एग्जिट हूँ तब। बिल्कुल, ह्यूज लॉसेज में 63 पर खरीदा है, 9 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और प्लास्टिक प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी डील करती है, तो अगर 15-16 रुपये का लेवल मिले तो एग्जिट कर लीजिए, अपने लॉस बुक करने की सलाह है। विक्रांत का सवाल है महाराष्ट्र से, यूनिटेक 2000 क्वांटिटी है, 5.5 रुपए का बाइंग प्राइस है, क्या स्ट्रेटेजी रेकमेंड करेंगे आप विजय? मुझे लगता है कि अगर इनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो 6-7 रुपए के लिए वेट कर सकते हैं, वहां पर एक बार एग्जिट कर सकते हैं। बहुत डेट है और काफी कंट्रोवर्सी है इस कंपनी के अराउंड, तो मैंने काफी सारी कंपनीज पहले बोली थी, ओबरा रियलिटी है, अजमेरा है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, शोभा है, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट है, इन कंपनीज में आप निवेश कर सकते हैं यूनिटेक से निकल कर, तो रैलीज में बाहर आइए, मुझे लगता है 6-6.5 का भाव इनको जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली, आगे बढ़ेंगे और अब सवाल है दुबई से सुहेब का, और गीतांजलि जेम्स पर इनका सवाल है, 2000 शेयर्स है इनके पास, 52 के भाव पर, आशीष क्या सलाह होगी? देखिए, सैलॉन राइस की सलाह रहेगी इनको, ऑल द स्टॉक अपने लोएस्ट लेवल्स के आसपास है, बट मुझे नहीं लगता है कोई पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसमें दिखता है, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन ये स्टॉक बना रहा है, अगर इनको कुछ 40-45 रुपए के आसपास भी मिलता है तो वहाँ पे एग्जिट करें, यहाँ पे अगर इनको एक स्टॉप लॉस चाहिए तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं।
इनफैक्ट गीतांजलि जेम्स की बात हुई, एक बार फटाफट से राजेश एक्सपोर्ट को भी देख लीजिए। डे लो पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 9% की गिरावट के साथ राजेश एक्सपोर्ट के शेयर में जो सेलिंग प्रेशर्स हैं वो एकाएक हावी हुए हैं और अब दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक आ चुका है। आप देख सकते हैं 572 के लेवल्स पर 76 रुपए की कमजोरी, 12% की कमजोरी इनफैक्ट राजेश एक्सपोर्ट्स में अभी देखी जा रही है। अगला सवाल है फौजान का राजस्थान से, कोपरान 1100 शेयर्स है 54 रुपए के भाव पर। राजेश क्या सलाह होगी आपकी विजय इनफैक्ट होल्ड करिए? मुझे लगता है कि स्टॉक एक बहुत टाइट रेंज में ट्रेड करता है, 57-58 मैक्सिमम 60 तक जाता है, फिर वहाँ से वापस आ जाता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते हैं, बिल्कुल एग्जिट करें। अगर इनको फार्मा स्पेस में ही रहना है तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑरो फार्मा खरीद सकते हैं, बायोकॉन है, सिंजीन है, ऐसी कंपनीज में निवेश करा जा सकता है। जी बिल्कुल, दिल्ली से अब गुरदीप हमें सवाल पूछ रहे हैं, वन लाइफ कैपिटल पर 1200 शेयर्स हैं इनके पास 36.15 के भाव पर। आशीष क्या सलाह होगी वन लाइफ कैपिटल पर आपकी? इसको होल्ड करके रखते हैं, 30 रुपए का स्टॉप लॉस चाहे तो मेंटेन करें। ये स्टॉक के कंसोलिडेशन फेज में मुझे लगता है अगर ब्रेकआउट करता है 35 रुपए के ऊपर तो काफी ऊपर जा सकता है, 30 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको होल्ड करें। जी अगला सवाल है प्रदीप कुमार का उत्तराखंड से, आलोक इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। क्वांटिटी 10,000 शेयर्स की है और जो परचेजिंग प्राइस है वो 14 रुपए का है। और आपको बता दें कि आलोक इंडस्ट्रीज एक कंसिस्टेंट अंडर परफॉर्मर रहा तो है ही, लेकिन बहुत ह्यूज लॉसेज इसने अपने इन्वेस्टर्स को अब तक डिलीवर किए हैं। लेकिन विजय आज जो खबर है आलोक इंडस्ट्रीज पर कि प्राइवेट इक्विटी फंड जिनमें टीपीजी कैपिटल शामिल है, केकेआर शामिल है और साथ ही साथ कई सारी ऐसी डोमेस्टिक टेक्सटाइल कंपनीज है जिनमें वर्धमान ग्रुप है और ट्राइडेंट है जो कि आलोक इंडस्ट्रीज को एक्वायर कर सकती हैं, इस तरह का बज है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या अपनी पोजिशन को होल्ड करना चाहिए? 4 रुपए के लेवल पर हालांकि भी ट्रेड कर रहा है और इनका एंट्री लेवल 14 रुपए का है। देखिए एक सरप्राइज आ सकता है इस कंपनी में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग हैंड्स इसको टेकअप करते हैं, हो सकता है कि कोई लिस्टेड कंपनी इसको टेकअप कर ले और उसमें ये कंपनी विलय हो जाए, तो उसके चलते हुए एक सरप्राइज जरूर आ सकता है। तो इस भाव पर यू नो कंसिडरिंग कि बहुत पॉजिटिव खबरें चल रही हैं इस काउंटर के आसपास, एग्जिट तो नहीं बनता, थोड़ा रिस्क लेना बनता है और हो सकता है कि इनको अपना भाव वापस मिल जाए। और अगर इस तेजी में भाव वापस आ जाता है तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि इसमें बाहर आना चाहिए, किसी और स्ट्रॉन्ग कंपनी में जाना चाहिए। अगर आपको टेक्सटाइल में रहना है तो यू नो अरविंद इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। जी बिल्कुल, मार्केट में सॉफ्टनेस बनी हुई है, निफ्टी अभी भी 7431 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ से सीधे चलते हैं संदीप के पास और उनसे जान लेते हैं फास्ट मनी अपडेट्स, यानी सुबह 7:30 से 8 के दौरान जो स्टॉक्स 20 स्टॉक्स आपको बताए गए थे उनमें से कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं और कैसे रिटर्न अब तक आपको मिल रहे हैं, बताइए संदीप। शुक्रिया दीपाली, बिल्कुल बाजार में कमजोरी का रुझान है, सुबह 7:30 बजे हमने भी आपको 20 में से 11 ट्रेड्स बिकवाली के बताए थे और वैसे ही रुझान कुछ मार्केट्स में देखने को मिल भी रहा है। सेक्टरल रुझान की बात करें तो मिडका फार्मा में आज बताया गया था कि बिकवाली देखने को मिल सकती है, वो कार्ड मेरी ओर से बिकवाली की राय थी, 955 तक के जो टारगेट्स हैं वो मैंने सुझाए थे, उसके नीचे ही कारोबार इस काउंटर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नायन होद्यालय कॉन्ट्रा कॉल थी मनीष जी की ओर से, इसमें अगर आप देखें तो आज खरीदारी का रुझान सुझाया गया था, वैसे ही कुछ रुझान है देखने को मिल रहा है, अब भी तेजी इस काउंटर में जारी है और लक्ष्य हासिल कर चुका है काउंटर भी। इसके अलावा अगर आप देखें डॉक्टर रेड्डीज, इसमें बिकवाली करने की राय थी मिडका फार्मा, एज अ पैक में देखें काफी बिकवाली का रुझान है, सुबह 7:30 बजे काउंटर आपको बताया गया था, 44 रुपए के आसपास ही कमजोरी अब भी इस काउंटर में बरकरार है। द्वारके शुगर सेक्टर रुझान में मिडका फार्मा के अलावा चीनी एज अ पैक में बताया था कि जो तेजी है पिछले कुछ दिनों की आज भी जारी रह सकती है। द्वारके शुगर कुछ एलएनडी म्यूचुअल फंड ने खरीदारी करी है, आज भी इस काउंटर में तेजी देखने को मिली है। एल्फाजी एक बड़ा ऑर्डर इस कंपनी के हाथ लगा, सुबह बताया गया था आपको 582 का टारगेट बताया गया था, उसके ऊपर ही कारोबार फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक करार किया है स्मार्ट सिटीज को लेकर, उसका फायदा इस काउंटर में देखने को मिला है, 148 का टारगेट था उसको अचीव किया है, अब भी यहाँ पे तेजी इस काउंटर में बरकरार है, हालांकि थोड़ा सा हल्का हुआ है। इसके अलावा सिप्ला मिडका फार्मा स्पेस से ही इस काउंटर में भी जो टारगेट्स है वो अचीव हो चुके हैं इस काउंटर के भी, और इसके साथ साथ आइडिया सेलर इसमें भी सुबह बिकवाली करने की राय आपको सुबह 7:30 बजे दी गई थी, ये कॉल भी कारगर हुई है, इसमें भी अगर आप देखें बिकवाली का रुझान जारी है। इसके अलावा ब्रिटानिया एक और मिडकैप काउंटर है, यहाँ पे 60 रुपए से ज्यादा गिरावट फिलहाल देखने को मिली और ग्रैनुल्स इंडिया एक और मिडकैप फार्मा प्ले है, तो कहीं ना कहीं मिडकैप फार्मा प्ले मेटल और चीनी जिसका सुबह रुझान बताए गए थे वैसे रुझान देखने को मिला, और आईडीबीआई बैंक एक और ऐसा काउंटर है जिसमें बिकवाली अब भी बरकरार है, 63 तक के टारगेट्स के लिए इस काउंटर में अप्रोच कर सकते हैं अभी भी, और वेदांता जैसे मैंने कहा मेटल पैक से इस काउंटर में भी बिकवाली साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो कई सारे ऐसे स्टॉक्स है जो कि सुबह आपको बताए गए थे, 11 ट्रेड्स ऐसे बिकवाली के थे और बाजार में जैसा रुझान देखने को मिला है, काफी सारी ऐसी कॉल्स हैं जिन्होंने टारगेट्स को अचीव किया, अब भी वहां पे गिरावट का रुझान जारी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी अपडेट के लिए। तो मैक्सिमम शेयर्स के जो टारगेट्स है वो भी अचीव होते हुए नजर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। आगे बढ़ेंगे और
अपने अगले दर्शक का सवाल शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से अजीत भारद्वाज ने हमें सवाल पूछा है बजाज हिंदुस्तान पर। 1000 शेयर्स इनके पास 17 रुपए के भाव पर। आशीष, हम देख रहे हैं तब से कि शुगर स्पेस की बात हो रही है, 2-3 दिनों से अच्छी तेजी है यहाँ पर, और आगे आपको यहाँ पर किस तरीके का रुझान लगता है? ऑलरेडी 2 रुपए के या 3 रुपए के प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, इसको होल्ड करें, मुझे लगता है 25 रुपये तक के टारगेट जिसमें आ सकते हैं। अगर एक स्टॉप लॉस चाहें तो थोड़ा डीप रहेगा, 15 रुपये का। अगर एक कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहें तो इसको और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आगे आने वाले समय में पूरा सेक्टर ही पॉजिटिव रहेगा। जैसे अभी आपने बताया कोई एक फंड भी इसमें बाइंग कर रहा है, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। चलिए फटाफट शेयर्स में अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला सवाल है विजय आपसे। संजय का सवाल है दिल्ली से। पीसी ज्वेलर्स 350 शेयर्स है 361 के भाव पर। आपकी राय जवाब संक्षेप में रखिएगा। होल्ड करके रखिए, मुझे लगता है 370-375 तक ही जा सकता है स्टॉक, बिल्कुल होल्ड करिए। होल्ड करने की सलाह। दिल्ली से आरके जैन पूछते हैं टाटा एलेक्सी पर शेयर सवाल। 100 शेयर्स इनके पास 2085 पर। क्या सलाह होगी आशीष? इसको होल्ड करके रखें, 1850 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 1850 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें पोजीशन। अरिंदम का सवाल है पश्चिम बंगाल से। बीईएल 1204 के लेवल पर खरीदा हुआ है, क्या करना चाहिए विजय बीईएल में? होल्ड करके रखना चाहिए, डिफेंस प्ले है और मुझे लगता है कि आने वाले तिमाहियों में स्टॉक अच्छा करेगा। 1300-1350 उस टारगेट के लिए इसको होल्ड करें। ऑलराइट, नेक्स्ट सवाल है पुणे से विजय का। टीएफसी के 500 शेयर्स हैं इनके पास 47.70 के भाव पर। आशीष, इसको बिल्कुल होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस चाहें तो 40 रुपीस का मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा बुलिश ट्रेंड मुझे लग रहा है, 55 तक के लेवल्स भी इसमें दिख सकते हैं। टीएफसी 40 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। देवेंद्र का सवाल है राजस्थान से। मैकनली भारत 200 शेयर्स है 103 के प्राइस पर। विजय, आपकी राय? एग्जिट ऑन रैलीज और इसको स्विच करके प्रोबेबली एलएनटी में जा सकते हैं, ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। एग्जिट ऑन रैली की सलाह। असम से मृत्युंजय सवाल पूछ रहे हैं गिनी फिलामेंट्स पर। 300 शेयर्स इनके पास 30 रुपए के भाव पर। आशीष, क्या करें? नहीं, इसको बिल्कुल यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई खास तेजी बनती है। ऑल्दो इनको थोड़ा लॉस है, बट इसको सेल करना ही ज्यादा समझदारी रहेगी यहाँ पे। मुनावर का सवाल है मुंबई से और शुगर पर इनकी क्वेरी है। 200 क्वांटिटी है 72 के प्राइस पर। विजय, आपके कमेंट्स? डेफिनेटली होल्ड करें, करीब 85 का स्तर देखता हूँ मैं स्टॉक पे। ऑलराइट, गुजरात से राजेश पूछते हैं बोरोसिल ग्लास पर। 220 शेयर्स है इनके पास 2350 के भाव पर। आशीष, क्या करें? 70% प्रॉफिट बुक करें, बाकी में 2620 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके होल्ड करें। बारून का सवाल है पश्चिम बंगाल से। कर्नाटका बैंक पर इनका सवाल है। 100 शेयर्स है 110 के प्राइस पर। विजय, होल्ड करिए 120 के टारगेट के लिए और करीब 90 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। महाराष्ट्र से सागर पूछ रहे हैं एमआरपीएल पर सवाल। 500 शेयर्स है इनके पास 62 के भाव पर। आशीष, क्या राय होगी? होल्ड करके रख सकते हैं, मुझे लगता है 50 रुपये के आसपास एक बहुत अच्छा बॉटम है, उसी लेवल को ये स्टॉप लॉस मेंटेन करके रख सकते हैं। होल्ड करके रखेंगे, मुझे लगता है 65 रुपये तक के लेवल इस पर्टिकुलर स्टॉक में आगे आने वाले समय में दिख सकते हैं। मनोज का सवाल है राजस्थान से। दो क्वेश्चंस हैं इनके, एक तो वक्रांगी पर जहां पर परचेसिंग प्राइस 169 का है, और दूसरा है SHKL कर, यहां एंट्री लेवल इनका 209 का है। क्या करना चाहिए विजय? वक्रांगी पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और SHKL कर होल्ड करके रखना चाहिए 275 के टारगेट के लिए। चलिए, शुक्रिया विजय आपका भी, आशीष आपका भी, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। लेकिन मार्केट्स में सॉफ्टनेस बनी हुई है, 26 पॉइंट्स की वीकनेस अभी भी देखी जा रही है। 7434 के लेवल पर निफ्टी है।